क्रिकेट संकट आ गया है। पैसा संकट, आपको महाराज ने बुलवाया है, महाराज ने बुलाया है। हेलो, भैया को प्रणाम। खुश रहो कुंभकर्ण। भैया क्या हुआ, आज आपने मुझे अपने निद्रा से जगाया जो। कुंभकर्ण, कुछ कारण ही ऐसा था कि लंका पर महासंकट आ गया है। लंका पर संकट, कैसा संकट? बहन शुक्रेखा दंडक वन में वन विहार कर रही थी और उस समय दो तपती राजकुमारों ने उसके नाक कान काट दिए और उसके बाद बदला लेने गए हर दूषण को भी उन लोगों ने मार डाला। हर दूषण मारे गए? हाँ भाई। अच्छा, तो आपने कुछ नहीं किया? किया, मैंने उनके स्त्री का हरण कर लिया। यार, आपने उनकी स्त्री को हर लिया? भैया सीता साक्षात माँ जगत जननी का रूप है, आपने ये सही नहीं किया। कुंभकर्ण, तो भी मुझे विभीषण की भांति नीति की बातें बता रहा है। मैंने उसे भी लात मार कर लंका से निकाल दिया है। आपने विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया? हाँ। क्या आपको विभीषण ने कुछ नहीं समझाया? वो भी तो जैसी ही बातें कर रहा था। कुंभकर्ण, यदि तुझे भय लग रहा है तो तू अपने महल में सो जा। ये युद्ध रावण ने आरंभ किया है तो इसे समाप्त भी रावण स्वयं कर लेगा। भैया, मेरा कदाचित ऐसा कहना नहीं था। जब तक आपका भाई इस भूमि में जीवित है, आप पर कोई आपत्ति नहीं आने देगा। मैं अभी जाता हूँ युद्ध भूमि में और उन दोनों वनवासियों का कालजास बनाता हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भाई, तुम जाओ और उन तपती बच्चों को खत्म कर दो। भैया, मैं युद्ध भूमि में जाता हूँ, अगर मैं वहां मारा गया तो आगे समझ लेना कि साथ साथ नारायण अवतार हुए हैं। और अब मैं युद्ध भूमि में जाता हूँ। भैया, इस प्रकार की बातें ना करो, तुम अवश्य ही विजयी होगे। जो आ गया भैया। आप कहीं दो मुठ चले जाते, दुश्मन दल में जाते काम में गए। मैंने तो भाई के गुस्से पर अपनी राय बताई कि प्रभु राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं, उनसे पैर मोल लेना उचित नहीं है, कुल का सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने मेरी बात सुननी तो दूर, मुझे भरी सभा में अपमानित कर लात मार कर बाहर निकाल। भैया,
अभी आपके पास विनती करने आया हूँ। दोनों चले जाओ और मुझे नीति का पाठ पढ़ाने के कड़क नहीं है। इतना है कार्य क्यों आता है, साधु जानता नहीं, साहसी पुरुष करते है कहते नहीं, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। और अपने हाथ दिखा, अपने हाथ दिखाओ, युद्ध करना कोई बच्चों का खेल नहीं। और मुझसे क्यों छुप रहे हो, युद्ध करो, युद्ध करो। इन बातों को तुम पर मैं छोड़ा पाता है, रण पे बातें करने वाला कायर धर्मी खिलाता है। Amar mein dhadki hai।